का स्वागत है आपका अपना एचवीए न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम समीर। जी हां, पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 130 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां तीन कैंडिडेट जो हैं वो बहुत ही भारी हैं, और तीन कैंडिडेट में हैं एक एनसीपी के नेता शशि कुमार भारती, और तीसरा है बीजेपी से लखिंदर पासवान, और आरजेडी से हैं शिवचंदर राम। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किनको यहाँ वोट पड़ने वाला है, ये हम जनता से पूछेंगे। यहाँ इस जनता के सामने हम आए हैं। आज हमारी क्षेत्र में दूसरा दिन है। दूसरा दिन में क्या होता है कि आज हम किसी दूसरे गांव में आए हैं। यहाँ पे कौन सा गांव है ये सर? नवाचक है। ये नवाचक है, और यहाँ की जनता से हम पूछेंगे क्या यहाँ किनको विधायक बनाना चाहते हैं, यहाँ की सुधार हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर जो पिछले जो विधायक थे वो कैसा कैसा काम किया है, इनसे पूछेंगे कि कैसा क्या हो रहा है सर इस गांव में। किसको आप विधायक चुनना चाहेंगे? देखिए, पुराना विधायक तो हम लोग देख लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अब नौजवान में विधायक हो जी, कि जनता को दुख समझने के लिए दो चक्का से भी आ जाए। उन लोग का चाहिए चार चक्का या हेलीकॉप्टर जी। आज देखिए, ये पंचायत की बात कर रहे हैं, पंचायतें की बात कर रहे हैं। नरेगा से आपका असोरा दूरा सोलिंग होने वाली थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ मजदूर दल के लोग बहुत हैं, 500 से ज़्यादा कुदाली चलता है, हरिजन क्षेत्र है। इसमें बरबटैया खेत ले लोग लिया बड़े बड़े लोग से, उसका फसल दह गया। उन लोगों के पास खाता खेसरा खतियान नक्शा सब है, उनको सरकार दिया और देता है। और मजदूर को जो कहे कि दह गया, वो बाढ़ के नाम पर 6,000 रुपया एक व्यक्ति के नाम से देंगे, आज तक लोग पैरा तक रहा है, नहीं मिला, ना रोजगार है, तो बैठे बैठे लोग जो है इधर उधर भटक रहा है जी। तो इनका कहना है कि कोई नवयुवक का पढ़ा लिखा यहाँ के विधायक होना चाहिए। और कुछ लोग हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं। सर, क्या समस्या है इस गांव में? कुछ समस्या है, किनको विधायक बनाना चाहेंगे आप? देखिए, जो लड़का बोला है ना वही बात होगा। तो इनका भी कहना है कि विधायक जो होना चाहिए नवयुवक का पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी चाची, कुछ बोलो भाई। हाँ, तो मिलाई तरह लावे हमारा सबके कार अथी अथी हुआ कोटा से मिलाई तरह ला बंद हो गया, ला मिला गया सबके मिल रहा है, हमारा सब भूखे मर। किनको वोट कीजिएगा इस बार? शिवचंदर राम जी हैं, लखिंदर पासवान जी हैं, और एक एनसीपी के नेता शशि भारती जी हैं। किनको वोट करेंगे? अब वोट तो जो अब विचार हो जेंट्स के से बात कहते वही हम तक हम वोट किसको करेंगे ये आपके तय करता है कि आप किनको वोट करेंगे। नवयुवक में देखा जाए तो शिवचंदर पासवान नहीं है, और ना ही आपका लखिंदर शिवचंदर राम नहीं है, और लखिंदर पासवान भी नहीं है। नवयुवक में सिर्फ एक है जो शशि भारती हैं, उनको वोट करेंगे आप या फिर किसी और को? निर्दलीय से आखनी हमारा सा क्या? इनका कहना है कि अभी जो लोग बताएंगे वही बताएंगे। आप कुछ बोलिएगा, जैसे कि यहाँ पे किनको वोट कर रहे हैं इस बार, किसको भी विधायक बनाना है? पब्लिक के जो सेवा करेगा उसको नहीं बनाएगा, कि जो नहीं सेवा कीजिएगा उसको कैसे बना दीजिएगा? जी इनका भी कहना कुछ ऐसा ही है कि पब्लिक जिनका सेवा करेंगे उन लोगों को बनाना है। कुछ और लोग भी हम इनसे पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ की जनता का क्या मूड है, कि किनको आप इस बार विधायक चुनिएगा। इस बार तीन प्रत्याशी हैं मैदान में, तो इनसे पूछ लेते हैं ये किनको वोट करेंगे। सर, किसको वोट, किनको वोट करेंगे? जो कुछ करेगा उसके ना वोट देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कौन करेंगे, या नवयुवक करेंगे या फिर वृद्ध कोई लोग होंगे? नवयुवक होंगे। नवयुवक होंगे। नाम क्लियर कीजिएगा। नाम कैसे क्लियर रखें? नाम नहीं क्लियर कीजिएगा। चलिए, इन लोगों का पर्सनल मामला है, कुछ और लोग भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं, है ना। और कोई लोग बोलिएगा, जैसे कि किनको इस बार विधायक बनाने का मूड बना रखे हैं, आइए। इस बार किसको वोट बनाने विधायक आपके क्षेत्र में बन रहा है, जैसे कुछ बोलिएगा। युवा दल का क्या? नवयुवक दल। नवयुवक दल, आप बोलिएगा किनको वोट कर रहे हैं। बंद कीजिए, वोट देंगे। चलिए, इन लोग का अपना ये है कि इनको वोट करेंगे, ये तो इन लोग का ये है।
और भी कुछ पूछ लेते हैं, जैसे कि आप के गांव में कोई समस्या हुआ है, जैसे कि पिछले जो प्रेमा चौधरी जी थे उन लोगों का मतलब क्या हुआ, तो उन लोगों ने क्या किया आपके लिए, बोलिएगा। चलिए कोई नहीं, ये होता है, तो आप देखते रहिए एसबीएन न्यूज, और मैं आपको लगातार पातेपुर की खबरें लगातार हर गांव से हर रिपोर्टिंग के तहत आपको दिखाता रहूंगा। सत्यम समीर से आप कॉन्टेक्ट में हैं, बने रहिए एसबीएन न्यूज के साथ। तो विधानसभा क्षेत्र संख्या 130 के कुछ घना आबादी है यहाँ पे, सड़क का जो निर्माण किया गया है वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है ये, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सड़क पे अपने जीवन यापन करते हैं। हम इन लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में किनको विधायक बनाना चाहेंगे, सर बताएं पाएंगे। हमारा पता ना कि कौन कौन खड़ा है यहाँ, मुख्य तीन हमारे जो कैंडिडेट हैं वो तीन हैं, एक शशि भारती हुए एनसीपी से, शशि पासवान उर्फ, और एक है लखिंदर पासवान बीजेपी से, और एक और आरजेडी से है शिवचंदर राम। तो अभी फिलहाल किनको वोट करना चाहेंगे आप, अपने विधायक किनको चुनना चाहेंगे? चुनना चाहेंगे जो देखेंगे माहौल हिसाब से करेंगे, जो माहौल देखेंगे। क्या इस बार अच्छा बदलाव हो चाहिए कि ना हो चाहिए से बताइए, तो बदलाव होते ना तो कथी हो, तो इनका कहना है बदलाव होना चाहिए। और कुछ हमारे साथ लोग हैं, क्या भाई इस बार वोट करने जा रहे हो? जाएंगे, जाएंगे। किस मुद्दे पे जाएंगे, मतलब क्या मुद्दा होना चाहिए? जो होगा वहाँ पर पता चलेगा सभी को, जब होता है तो इसी हिसाब से देंगे। किस माहौल से मतलब बदलाव अपने क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो कैसा हुआ है, बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी तो हुआ है तो बहुत हुआ है, देखिए इधर रोड बना दिया है गली गली में हर जगह भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ही बदला आता रहेगा तब फिर हम उसी को देंगे वोट। तो ऐसा ही उनका कहना है कि जो बना गया है वो बिल्कुल सही बनाया गया है। चाची अपने कुछ बोलवाई कि किस किस को वोट देने के है, बदलाव है कि जरूरी है कि ना, नवयुवक प्रत्याशी है या फिर जो ऑलरेडी हैं उन्हीं को आप वोट करेंगे, किनको वोट करेंगे आप? इनका कहना है कि जो वो माहौल देखेंगे उनको वोट करेंगे। भाई आप वोट करने जाओगे? पक्का वोट तो करेंगे, वोट करेंगे किस, हाँ बिल्कुल, तो ये किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करोगे? मुद्दा तो विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा होगा। और क्या क्या हुआ रोजगार, अभी क्या चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, रोजगार हो रहा है यहाँ पे? कुछ रोजगार नहीं हो रहा है, कुछ रोजगार नहीं हो रहा, मतलब क्या बदलाव होना चाहिए इस विधानसभा में? इस बार तो इस विधानसभा में वो बदलाव होगा, निश्चित बदलाव करना चाहिए जनता को, हर जनता को सोचना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए। अपने यहाँ से तीन प्रत्याशी है पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 130 में, तीन प्रत्याशी है जो प्रमुख हैं, शशि पासवान है और एक है एनसीपी से, और एक है लखिंदर पासवान बीजेपी से हुए, और आरजेडी से हो गए शिवचंदर राम। तो आप किनको वोट करने जा रहे हैं इस बार? नहीं इस बार तो युवा को देखना है, इस बार युवा को देखना है, युवा से मतलब किनको, शशि पासवान जी को माना जाए? समझिए शशि पासवान ही अभी, इनका एक इशारा करते हुए कि शशि पासवान जी को वोट जा रहा है। और भी चाचा जी आप कुछ बोलिएगा कि इस बार क्या होना चाहिए, इस बार कि क्या तरक्की हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत हुआ है सर, तरक्की तो बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है, मतलब लोग का समाज सबका विचार है कि वह शशि पासवान को निकाला जाए, इस बार शशि पासवान को निकाला जाए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि शशि पासवान को निकाला जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र से शशि पासवान को बहुत ज्यादा वोटों से आगे होने की संभावना है। आप देखते रहिए एचबी न्यूज, रिपोर्ट करते रहेंगे मैं, चलिए ना होंगे कर